बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल ईटा फॉर यू। प्यारे दोस्तों, हमने क्लास 7 जनरल साइंस की एमसीक्यूज़ का जो सिलसिला शुरू किया है, आज उसका चैप्टर नंबर 2 अपलोड करते हैं। इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको पहले चैप्टर का लिंक मिल जाएगा। जिन दोस्तों ने अभी तक उनको वॉच नहीं किया है, आप सब दोस्त उनको भी वॉच कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप सब दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसमें चैप्टर नंबर 2 है, ट्रांसपोर्ट एंड ह्यूमन एंड प्लांट्स, इंसान और पौधों में तरसील। तो यह पर आपने इस चैप्टर को कम्प्लीटली डिटेल के साथ पढ़ना है, क्योंकि यह पर मैं सिर्फ एमसीक्यूज को हल करने वाला हूं। तो हर चैप्टर में टोटल 5 एमसीक्यूज होते हैं। तो यह पर इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाई दी। सवाल में कहते हैं कि दिल से जिस्म की तमाम हिस्सों को खून कौन मुंतकिल करता है। यह पर ऑप्शन ए है आर्टरीज, ऑप्शन बी वेंस, ऑप्शन सी कैपेलरीज, ऑप्शन डी विली। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आर्टरीज। द ब्लड फ्रॉम द हार्ट इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बाय द आर्टरीज। दिल से जिस्म की तमाम हिस्सों को खून शरियानी मुंतकिल करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि ह्यूमन हार्ट की टोटल 4 चैम्बर्स होते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर फ्रॉम रूट्स एंड प्लांट्स टेक्स प्लेस थ्रू। इस सवाल में कहते हैं कि जड़ों से पौधों तक पानी की तरसील किसकी जरिए होती है। ऑप्शन ए फ्लोएम, ऑप्शन बी जाइलम, ऑप्शन सी एपिडर्मस, ऑप्शन डी स्टोमेटा। यह पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी जाइलम, यानी जड़ों से पौधों तक पानी की तरसील ये जाइलम की जरिए होती है। यह पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन बी। और इसके साथ आप सब दोस्तों ने ये भी याद रखना है कि यह पर प्लांट्स के अंदर खुराक को कौन ट्रांसपोर्ट करता है। तो यह पर इसमें फिर करेक्ट ऑप्शन होता प्लोएम, यानी प्लोएम जो है ये लीव से रूट्स तक तमाम खुराक को ट्रांसमिट करता है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एवपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि पत्तों की जरिए अमल इखराज को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन बी रिस्पायरेशन, ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन, ऑप्शन डी ट्रांसलोकेशन। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन, यानी पत्तों की जरिए अमल इखराज को अमल तफखीर कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी ट्रांसपायरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड। इस सवाल में कहते हैं कि सबसे बड़ी शरियानी को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए आयोटा, ऑप्शन बी वेंट्रिकल, ऑप्शन सी आट्रियम, ऑप्शन डी पल्मोनरी आर्टरी। यह पर करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए आयोटा। द लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड आयोटा, यानी सबसे बड़ी शरियानी को आयोटा कहते हैं। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस इन। इस सवाल में कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स का बनना ये किस में होता है। ऑप्शन ए रूट्स, ऑप्शन बी स्टेम, ऑप्शन सी फ्रूट, ऑप्शन डी लीव्स। इसमें करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी लीव्स। सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स टेक्स प्लेस इन लीव्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स का बनना ये पत्तों में होता है। यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन यही है। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप सब दोस्तों को पसंद आई होगी। जिन दोस्तों को वीडियो पसंद आई हो, समझ गए हो, तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी किया करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।